हाय हेलो नमस्कार एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज है संडे एंड आज के ब्लॉग में कोई भी ट्रैकिंग नहीं होने वाला है। आज का ब्लॉग थोड़ा सा हटके होने वाला है एंड फिलहाल मैं आज जहाँ जा रहा हूँ वो है मुंबई का बहुत ही फेमस आर्ट फेस्टिवल, जो कि मुंबई अर्बन आर्ट फेस्टिवल। एंड अभी मैं खड़ा हूँ ससुन डॉक के पास, जो कि आता है CST से थोड़ा सा आगे। तो अभी मैं खड़ा हूँ ठीक इसके मेन एंट्री पे, जो कि है मेरे ठीक पीछे मुंबई अर्बन आर्ट फेस्टिवल। मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो फेस्टिवल कैसा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है। इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्म मिलेगी कि ये फेस्टिवल कहाँ पे है, कैसे लगता है, आपको यहाँ पे कैसे आना है। तो चलते हैं अंदर इसके। ये इस आर्ट फेस्टिवल का पार्ट वन है एंड इसे स्पॉन्सर किया है एशियन पेंट्स ने। एंड गाइस, इस आर्ट फेस्टिवल में नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल से 60+ आर्टिस्ट ने अपना आर्ट शो किया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। एंड हर एक आर्टिस्ट के आर्ट में एक अलग ही पहचान है, जो कि आप अभी आने वाले वीडियो में जो आर्ट है उसे देख के आप समझ जाओगे। तो आप लोग को यहाँ पे फिश की स्मेल काफ़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा कोस्ट सी के पास में है। तो अगर आते हो तो ये बात को ध्यान में रख के आना, क्योंकि ये पूरा आसपास जो है ये पूरा फिश मार्केट काइंड ऑफ है। ये देखिए आप। सो गाइस, इस आर्ट फेस्टिवल का नाम है मुंबई अर्बन आर्ट फेस्टिवल। इसका स्टार्टिंग हुआ था 22 दिसंबर में एंड इसका अभी जो एंड जो डेट है वो है 22 फरवरी। सो आज है संडे, 22 जनवरी हम लोग आए आज के लिए। एंड यहाँ पे आने के लिए आपको आना पड़ेगा पहले CST स्टेशन, फिर आपको आना पड़ेगा ससुन डॉक पे। हम लोग ने वहाँ से टैक्सी किया है, टैक्सी से हम लोग यहाँ पहुँचे। सो गाइस, CST के बाहर आपको टैक्सी मिल जाएंगे ससुन डॉक के लिए, तो आप वो लेके यहाँ पे आ सकते हो। एंड ये है इसका काउंटर जहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और यहाँ पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं है। आपको सिर्फ आपको स्कैन करना है QR कोड, आपको करना है रजिस्ट्रेशन। यार संडे के टाइम इतना भीड़ था, आप वीडियो में देख ही सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। हर एक बिल्डिंग में जाने के लिए इतना लंबी लाइन लगी थी कि क्या बताऊँ आपको। सो दोस्तों, चलो आइए चलते अंदर। ये वाला जो आर्ट है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा देख के, काफ़ी ज़्यादा एक मेहनत से बना हुआ ऐसा लग रहा है, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। हर एक आर्ट का आर्टिस्ट कौन है और उस आर्ट का पर्पस क्या है, अभी आपको ऐसे लिखे मिल जाएंगे बोर्ड पे। अभी ये जो आर्ट है ये पानी में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले, सी में रहने वाले जो क्रिएचर्स है ये उनका आर्ट है।
सो गाइस ये वाला जो आर्ट है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस आर्ट में आप देख सकते हो कि हर एक चीज़ को, हर एक बारीकी को अच्छे तरीके से हाईलाइट हुआ है। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं यहाँ का सबसे बेस्ट वाला जो आर्ट है वो। यार ये मुझे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे यार, काफ़ी ज़्यादा लाइक मेहनत से बनाया, देख के लग रहा है कितनी मेहनत की है इसे बनाने में। हर एक चीज़ को मतलब डिटेल में मतलब दिखाया हुआ है कि एकदम बारीकी से क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ जो भी आर्ट है वो आर्ट की अपनी अलग ही एक खास बात है। आपको हर एक आर्ट आपको अच्छा देखने में लगेगा, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का यहाँ पे जो आर्ट है वो आपको देखने मिलेगा। सो वो जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। आप देखिए ना जो पेंटिंग किया हुआ है वॉल के ऊपर, लाइक एकदम बारीकी से पेंटिंग किया हुआ है ताकि हर एक चीज़ दिखे एकदम बारीकी से, एकदम डिटेल, एकदम इन्फॉर्म जो पेंटिंग किया हुआ है, तो काफ़ी लाइक मेहनत से बना हुआ देख के लग रहा है। यार दोस्तों हमने सिर्फ एक ही बिल्डिंग में हम लोग गए थे जहाँ की काफ़ी ज़्यादा आर्ट थे। अभी यहाँ लाइन इतनी लंबी लगी है कि अगर हम लोग हर एक बिल्डिंग को देखने जाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। गाइस अगर आपको आर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आपको वन डे में कहीं घूम के आना है आर्ट वाले किसी भी प्लेस के, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे आर्ट्स आपको देखने मिलेंगे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे आर्ट्स है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड ये था कुछ आज का वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए प्लेस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।